नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग एक अच्छा सा जो है तैयारी में लग जाएं, ओके। और आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो पाए आपसे रिविज़न कीजिए। आप जो है स्पेशल मैथ पे, रीजनिंग पे, जीके जीएस, करेंट अफेयर्स पे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए टाइम, क्योंकि आपका जो है ये चांस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि जो है मतलब ये चांस आपसे मिस हुआ, चूक गए आप, तो फिर आगे जो है बहुत आपको जो इंतज़ार करना पड़ जाएगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से करिए तैयारी, और एकदम आपका जो ईमानदारी से मेहनत रहेगा तो आपका जो है रिजल्ट अवश्य आएगा, ओके। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मतलब जो है लेवल वाइज आपका जो है रिजल्ट दिया है, जो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो इसका जो है एग्ज़ाम भी जो होगा सीबीटी 2 होगा वो आपका अलग अलग होगा, ओके। जो है लेवल 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग होगा, 6 के लिए अलग होगा। मतलब जिन दोस्तों का 2-3 जो लेवल में आया होगा उनके लिए अच्छा चांस है, 2-3 उनका जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2-3 दिन उनका एग्ज़ाम होगा, तो बहुत ही अच्छा चांस है, ओके। और जिनका मतलब एक भी लेवल में है तो उनके लिए भी अच्छा चांस है, आप अपना जो है बेस्ट दें, ओके। हाँ, तो आइए हम लोग जो है देख लेते हैं कि मतलब जैसे आज ही का है ये आपका जो है, ये मतलब जो है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये 12 अप्रैल का है, तो इसमें आपका जो है दिया है दोस्तों ये जो है नंबर 3 नंबर जो है पॉइंट कि आपका जो है सेकेंड स्टेज जो होगा सीबीटी 2 जो होगा वो जो लेवल 4 और जो लेवल 6 का है ना, आपका जो मतलब इसका जो है डेट दे दिया है। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका कब होगा? 9 और 10 मई को होगा, है ना। तो जो लेवल 4 और जो लेवल 6 का एग्ज़ाम डेट आपका जो है मतलब दे दिया है, तो जिनका भी लेवल 4 में या फिर 6 में या फिर जो है दोनों में रिजल्ट है, तो अच्छा से एकदम आप जो है मेहनत मतलब जो है रिवीजन करने में आप जो है जुट जाएं, क्योंकि 1 मंथ से भी कम टाइम है ना। तो आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आप जो है अपना बेस्ट दीजिए, और आगे का जो है चिंता नहीं कीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। आप मतलब जैसे कि कंपटीशन तो आसान नहीं है, और जिनका भी ये जो है लेवल 2, 3, 5 का भी है तो इसका और अभी जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसमें जो है लिखा है कि बाद में आपका जो है अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ये आप लोग जो है मान के चलिए कि आपका इसका जो है मई लास्ट तक जो है हो सकता है, ओके। हाँ, तो मतलब ये नहीं करेगा कि ज़्यादा आपको जो है ये गैप दे देगा, जैसे इसका ले रहा है मई में, और जो भी बाकी पोस्ट मतलब जो है लेवल है उसका आपका जैसे कि जून में लेगा, जुलाई में लेगा, अगस्त में लेगा, मतलब आपका जो है ये ऐसा नहीं करेगा। ये आपका जो है स्टार्टिंग में ले रहा है तो वो जो है मतलब लास्ट तक आपका जो है मई तक ले ही लेगा। तो जिनका भी 2, 3, 5 में भी है तो वो भी आप अब एक फाइनल ही मानकर चलें कि उनका एग्ज़ाम जो है मई में होने वाला है, और आप अच्छा से करें तैयारी। ज़्यादा जो है लेट करेगा, जून तक जाएगा, तो आपके लिए ही अच्छा होगा रिविज़न करने के लिए, है ना। तो जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आप जो रिवीजन कीजिए, और आप यदि चाहते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का तैयारी करना, तो आपको हम जो है मतलब इस चैनल पे जो है करंट अफेयर्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो पाएगा आपको जो है देंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो यदि चाहते हैं करंट जो है अफेयर्स का जीके का, और आपको जो है 50 क्वेश्चन का जो है सेट भी करवाएंगे जीके का, है ना, तो आप लोग मतलब जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये 50 क्वेश्चन का जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा सेट आपको जो है करवाएंगे। लेकिन आपको जो है मेनली करेंट अफेयर्स भी आपका जो है 2021 का और अभी जितना 22 का मार्च तक का, अप्रैल तक का, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपको जो है करवा देंगे, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा, ओके। तो दोस्तों जो है यही जानकारी थी, जिनका भी एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का तो वो अच्छा से करें तैयारी, और जिनका भी लेवल जो है 4 और 6 में है तो उनका जो है 9 और 10 मई को एग्ज़ाम होगा, तो आप एकदम पूरी जो है मेहनत से तैयारी करें, ओके, आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक जो अच्छा सीनियर वीडियो लेकर, और आप लोगों को जीके जीएस करंट अफेयर्स में जो मतलब अच्छा में हेल्प करेंगे, ओके। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।